कि क्या औरत भी तलाक दे सकती है, तो इस्लाम के अंदर इसको इख्तियार दिया गया है, लेकिन उसको जो है उसके अंदर खुला कहते हैं, उसको तलाक नहीं कहते, उसका जो है नाम उसके अंदर दूसरा है। और अच्छा कि इसके अंदर भी जो है कि क्या औरत भी दे सकती है, तो उसके लिए उलमा ने आलिमों ने कुछ आलिमों ने एक तरीका निकाला कि औरत भी तलाक दे सकती है। उसका तरीका क्या है? तरीका यह है, उसको कहते हैं तफवीज़ तलाक। तफवीज़ तलाक क्या कि मियाँ बीवी जब निकाह हो रहा है उससे पहले एक मुआहदा कर ले। क्या मुआहदा कर ले कि अगर मैंने ये कह दिया, औरत कह रही है कि मैंने तुमसे ये कह दिया कि मैंने तुमसे तलाक ली या तुमने मुझे तलाक दी, जिस दिन मैंने ये बोल दिया हमारी तलाक हो जाएगी, पहले से ये सब जो है मुआहदा कर ले में, तो इसको किया गया तो खुद ब खुद तलाक पड़ जाएगी। तो इसके अंदर या एक बोलना हो तो एक भी बोल दे कि मैं एक बार बोलेगी तलाक हो जाएगी, तीन बार बोलेंगे तो तलाक हो जाएगी पहले से इसके अंदर। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये इसलिए राइज नहीं हुआ क्योंकि निकाह का वक्त चल रहा है, बच्चा काम है और उसके अंदर तलाक की कौन बात करेगा, तो राइज नहीं हुई। लेकिन इसको दिया गया, लेकिन ये है कि ये दोनों को चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने हल निकाला। लेकिन ये है कि इसको कोई पसंद नहीं करेगा और इसकी कोई दलील भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने निकाला है, हालांकि अल्लाह ने तरीका नहीं बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका नहीं बताया, तो ये तो हीला है। हीला उसको कहते हैं धोखा देने को। तो जब वो तरीका ही नहीं बताया तो मतलब आप नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह के कानून में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपने एक नया तरीका निकाला तलाक औरत को दिलवाने का। तो ये भी क्या है कि ये भी वो नहीं है, और अल्लाह की जो शरीयत है कानून है कयामत तक के लिए इसके अंदर कोई कमी नहीं है। जिसने जरूरत की कमी रह गई तो उसने ये सहल उसके निकाले हैं। तो ये है कि हद से आगे बढ़ने वाली बात है। हालांकि कुरान हदीस के अंदर खुला के तरीके बताए गए हैं कि खुला का तरीका क्या है, कुरान हदीस में हमको मिलता है खुला का तरीका, और ऐसे वाक्यात उसमें पेश आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हमको बतलाए गए कि वहाँ से पता चलता है कि जो है इस तरह से खुला किया जाएगा। लेकिन असल तो ये है कि हर फिरके अपने अपने बुजुर्गों की और आलिमों की पैरवी करते चले आ रहे हैं, इसलिए इस चीज़ों को भी वो नहीं मानते। लेकिन यह जो उसके लिए दूसरे अपने अपने तरीके बना लेते हैं। हालांकि अल्लाह ने जो है कुरान में फरमाया, कुरान के अंदर वाज़ह है कि खुले का अधिकार जो है औरतों को अल्लाह ने दिया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 229 में फरमाया कि तलाक दो मर्तबा है, फिर भले तरीके से रोक ले या भरी तरीके से उनको छोड़ दो, और तुम्हारे लिए उसमें से कुछ लेना भी जायज़ नहीं है, उसमें से तुम कुछ ले भी नहीं सकते हो, ये मना किया गया। और तुमने उन्हें जो दे चुके हो सिवाय इसके के दोनों को खौफ हो कि अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि दोनों अल्लाह की हद को कायम नहीं रख सकेंगे तो दोनों में इसमें कोई गुनाह नहीं कि औरत मुआवजा देकर या फिदिया देकर उससे पीछा छुड़ा ले, जिसको कुरान में जो है इफ्तदा बिही इसको कहा गया। ये खुला का, ये भी खुला ही है, इसको भी खुला कहा जाता है। इसका जो हदीस में नाम खुला है और कुरान के अंदर इस लफ्ज से आया है कि वो उसको जो फिदिया देकर जो है उससे पीछा छुड़ा ले। तो ये अल्लाह की हदें और हद से आगे ना बढ़ो, और अल्लाह हद से जो है आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता।